हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ आप सब भी मेरी तरह अच्छे ही होंगे और अच्छे ही रहना। वाह, गाड़ी पता नहीं, हाँ वाह खड़ी करती है। तो करते हैं, आज रात को हमने परिक्रमा शुरू मतलब अपनी कर ली थी, और उसके बाद हम मतलब अपना धर्मशाला में आके हमने स्टे कर लिया था। धर्मशाला में स्टे किया था, यहाँ पे हम रात को 1:30 बजे पहुँच गए थे। तो बाकी आज अपन लोग वृंदावन, रमन रेती और ब्रह्मांड वगैरह जहाँ जहाँ भी जाएंगे आपको दिखाएंगे। तो करते हैं आज के नए ब्लॉग की शुरुआत आपके अपने भाई अरुण जागलान के साथ, और मैं आपको अपने रूम का व्यू दिखा देता हूँ एक बार कैसा था जहाँ पे हमने रात को स्टे किया था। ये एक ऐसा, यहाँ पे एक बेड लगा हुआ था, यहाँ पे एक सिंगल बेड लगा हुआ था, यहाँ पे एक सिंगल, वहाँ पे ये बहन जी रेडी हो रही है। बस अभी हमने खाना खाने के लिए निकलना है, क्योंकि दूसरी बोले जहाँ पे हमने रात को खाना खाया था वहाँ पे हमारा खाना ऑलरेडी रेडी हो चुका है। और ये देखो नीचे स्टेफी और जीजू वो बैठे हुए। गगू गगू आए, एक सेकंड माए। ये अपनी गाड़ी यहाँ पे खड़ी हुई है। ये धर्मशाला के अंदर ही कोई मतलब ऐसे मंदिर बना रखा है, काफ़ी अच्छा जगह है। बस यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा बंदर है, बाकी अदरवाइज तो भाई एक नंबर चीज है। बाकी चलते हैं अभी आगे, दिन में जो भी होएगा आपको दिखाते हैं, बने रहिएगा। तो अभी आ चुके हैं हम अपना ब्रेकफास्ट फिनिश करने के लिए, और अपने परौंठे वगैरह आ गए हैं दही के साथ। तो अभी अपना परौंठे खा पी के फिर चलेंगे। ब्रेकफास्ट अपना हो चुका है बिल्कुल, हम खा पी के रेडी हो चुके हैं। अभी टाइम हो चुका है 10:32, तो बस अभी सामान को पैक करना और अभी निकलना है यहाँ से। यहाँ से अभी हम लोग देखते हैं पहले कहाँ पे जाएंगे, कहाँ नहीं वो तो अब सामान रखने के बाद ही पता चलेगा कि कहाँ जाना है। बस अभी सब कुछ वो हो गया, अभी बस निकलना है, बाकी मिलते हैं अब आपको सीधा गाड़ी में। गाड़ी करते हैं स्टार्ट और चलते हैं, निकलते हैं। जी जो बाथरूम करने गए हुए वो आ जाएंगे, तब तक निकले हुए। ये हमारी बहन जी, इसने तना कहा झूठी, बढ़िया था जी खाना जी। जाओ जी तो लिया दे, सनरूफ अपना ओपन कर देते हैं। करियो जी बंद, घुमा लिया गाड़ी, चाबी आदरण की जगह है। क्या जी आप आने तो अपने इधर रह के थे जी, देखो उसमें देखिए किधर चश्मे में देखिए किधर ठीक है यार। कदे आप होड़ा होटल अटल पे तो नहीं भूल आए हो, ओ वा के है संभाल रखा करो जी मेरी तरह, दे दिया करो अपने चश्मे में बाहर बैग में डाल दिया करो। खड़ी बस की ओढ़ देखी है बड़ी सुन की गल आराम मूड बस नहीं कर मोड़ पे नहीं आ गए हैं। हेलो वो ला ले दे सामने अपनी कृपा करे, तड़के वक्त लग गया 4 बजे। फिर मम्मी एक बार बताओ रात ने बढ़िया होगी इस दिन में हाथ का उन्होंने तो अपना कर ले इसकी ले बलिया उसका बेचारे का जोर लाए। अरे बैठे गद्दे आ लिए हैं देखिए कितने आज में ना भीड़ ज्यादा है। दो हजार का ऊपर ले रही हूं काम करना, मैं जला सकती अपना कर लो।
हाँ जी भाई, तो अभी हम लोग यहाँ पे अपना जन्मभूमि में आ चुके थे। जन्मभूमि में आने के बाद यहाँ पे मंदिर में गए थे, लेकिन यहाँ पे क्या चीज था, मोबाइल कैमरा कुछ भी ऐसी चीज अलाउड नहीं है यहाँ पे। इनफैक्ट गाड़ी की चाबी भी अलाउड नहीं है, तो इस वजह से गाड़ी की चाबी भी अलाउड नहीं है और इस वजह से हम कुछ नहीं लेके गए। तो अभी हम क्या है, गाड़ी में आ जाने के बाद और यहाँ पे ये जान बुझ के इतना ज्यादा शोर शराबा कर रहे हैं हद से ज्यादा। तो बस यही है, अभी हम लोग यहाँ से जाएंगे रमन रेती से ब्रह्मांड। तो वहाँ पे कैमरा वगैरह अलाउड है, वहाँ पे मैं आपको दिखाऊंगा क्या क्या चीजें हैं क्या नहीं है। बाकी जब भी मथुरा वृंदावन आओ तो यहाँ पे जरूर आना जन्मभूमि में, मतलब यही एक मेन चीज है देखने की है जो। और अपने यहाँ देखो बैक साइड में महारानी कैसे गगू आराम से सो रही है। ऐसे ये कि ये आगे काजल मैंने जो अपने व्लॉग में शूट की थी ना, मेरा देख लेना, इसने ऐसा सेम टू सेम अपना फोन दिया। तो पहले मेरा कॉपीराइट कर रखा है इसने। कॉपी मेरी मारते हैं बोलते हैं ये कि मेरी, मैंने किया है पहले अपना। ये बेवकूफ इंसान है, मैंने किया है और ये अपना मैं तुम्हें जानता ही नहीं, कौन अपना बोल रहा है, नहीं कौन हो तुम, सेम टू सेम वही चीजें, मैं आपको जानता हूँ क्या, मैं इसकी बहन हूँ। चलो कोई बात नहीं, हम लोग अभी मिलते हैं आगे सीधा डायरेक्ट रमन रेती में, क्योंकि यहाँ पे अभी काफी देर से वेट कर रहे हैं मौसा जी और मौसी जी दोबारा दर्शन करने के लिए गए थे। मौसा जी यहाँ पे थे, स्टैपी के पास किसी एक इंसान को रुकना पड़ता है तो इस वजह से, तो मौसा जी रुकते हैं फिर वो बाद में जाते हैं। तो अभी उनके आने का वेट है, वेट बस यहाँ से फिर चलते हैं डायरेक्ट और मिलते हैं आगे। तो अभी हम लोग आ चुके हैं गोकुल ब्रिज में, यहाँ पे सारे के सारे पीछे हैं, अभी गाड़ी रोक दिया है। रोकने के बाद यहाँ पे ये बोलते हैं नौका विहार करने के लिए। वैसे तो मतलब अभी पानी काफी गंदा सा ही दिखाई दे रहा है, लेकिन लोग नौका विहार कर रहे हैं, तो हम भी देखते हैं कि नौका विहार करेंगे नहीं करेंगे, क्या है क्या नहीं। बाकी देखिए सारे के सारे हम लोग नौका विहार करेंगे, नौका देखते हैं, बाकी मजा आने वाला है अभी। और फिर उसके बाद हम लोग जाएंगे रमन रेती के बाद जाएंगे ब्रह्मांड। जितना भी रहेगा आज के इस व्लॉग में सारा का सारा मैं दिखाऊंगा आप सबको, बाकी आप बने रहिएगा। और चैनल पे नए हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बाकी आगे आने वाली वीडियो का ना हर एक का सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको ही मिलेगा। तो मौसा जी ऑलरेडी जाके बैठ चुके हैं स्टैफी के साथ, हम लोग अपने शूज वगैरह यहाँ निकाल लेंगे और ये रही अपनी बोट, नंगे पैर, क्योंकि उसमें वैसे बैठना है ना, शूज हमने निकाल दिए हैं। राम तो कट दे और ये रही अपनी बोट। चलो 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 यहाँ पे पैर साफ कर लियो। अरे अब तो जी लकड़ी है, आओ बैठो बैठो। ये हम लोग आ चुके सारे के सारे बोट में, स्टैपी गैंगस्टर। आजा पूनम, नहीं पूनम को मैं, काजल, ये काजल आ चुकी है बोल नाम वाले भैया। और ये मूसा मूसी जी, गगू तू नौका विहार करेगा, मम्मी क्या कर रहे हो, डरो क्यों जी यार, लकड़ी की नाव है जी, नाव थोड़ी थोड़ी हिल रही, बैठ जाओ हम सारे के सारे, नाव ये हिल रही है थोड़ी थोड़ी सी, सबको लग रहा है डर। जय, और ये भैया, ये रहा देखो ये बैठी यहाँ पे, ये जो बैठे इनको लग रहा डर, ये काजल और ये बैठी है इनको भी लग रहा डर, लग रहा काजल ये बुला दूंगा ना, लो जी देखो आ जी ओगी जी और जी गोगू बैठ जा, गोगू भी ये भी लोग का विहार कर लिया है। पीछे डैम है, डैम की वजह से काफी ज्यादा जाल बने हुए हैं यहाँ पे, नौका विहार में काफी आ रहा है मजा, हटा ले रे अला जूंगा जी, मैंने तिरना आवे है आया जा रहा है ये वाला, बोल रहे कि ये नंद बाबा का किला के नाम से जाना जाता है और नंद बाबा का घर है ये, और उनका देखो भाई जान निकलने को रखी है बेचारों की।
तो अभी भाई हम लोगों ने नौका विहार कर लिया है और सारे के सारे ये आ रहे हैं उतर के। शूज वगैरह ये यहाँ पे रखे हुए, अपना शूज डालते हैं और अभी देखते हैं चलते कहाँ चलना है, कुछ नहीं आइडिया। बाकी आगे अभी तो चलना तो बहुत लंबा है, पता नहीं कहाँ कहाँ जाएंगे। फिलहाल तो शूज डाल ले मुझे। लो जी मौसी जी की चप्पल काम आएंगे बैठने के। हाय 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 पकड़ियो। हाँ जी, तो अभी हम सब लोग जाएंगे कहाँ पे, नंद भवन में, और ये अपने बैक साइड में ही है ठकुरानी घाट। तो अभी नंद भवन में जाएंगे, नंद भवन में जाने के बाद फिर उसके बाद हम लोग सभी के सभी जाएंगे रमन रीति, जहाँ पे होगी आरती की आरती। और आरती की आरती भाई बहुत अच्छे तरीके से होती है वहाँ पे आरती, मतलब वो घंटी वगैरह बजाता है, हिरण वगैरह है, सब कुछ है, तो वो भी आपको देखने में मिलेगा। बाकी अभी चलते हैं आगे नंद भवन में। एंट्री के टाइम पे ये ऐसे मतलब चित्रकारी की हुई है, और अभी यहाँ से एंट्री करेंगे। एंट्री करते ही गौ माता सामने खड़ी है, और आ जाओ। तो आज का दिन आपका कैसा रहा, एक्सपीरियंस शेयर कीजिए। एक नंबर का दिन था। चलो अच्छी तरह दर्शन हुए सब जगह, और अब हम जा रहे हैं बाबा के। बिल्कुल जी, तो वहाँ देखेंगे बाबा कैसे रहते थे। बाकी यहाँ पे मतलब काफी पुरानी पुरानी सी वो है, बिल्डिंग्स वगैरह जो कुछ भी है। कोई बहुत ही ज्यादा पुराना पेड़ है, यह है संपत्ति श्री टेम्पल, को पता नहीं क्या है लेकिन बहुत ही ज्यादा पुराना पेड़ है, तो इसलिए उसकी सेफ्टी के लिए चार दीवारी वगैरह की हुई है। अभी हम लोग नंद किले में एंट्री करेंगे। चलो सीधे, अरे वो भाई ने मंदिर के अंदर एंट्री कर चुके हैं। यहाँ पे पता नहीं किन किन के नाम लिखे हैं, शूज वगैरह यही निकाल के रखने पड़ेंगे। मंदिर श्री नंद किला नंद भवन। क्या ये है नंद बाबा जी महाराज का मंदिर, वो नंद जी और यशोदा मैया वगैरह। अभी हम लोगों ने यहाँ पे तो दर्शन कर लिया, अभी हम लोग जाएंगे कहाँ पे, ब्रह्मांड में, मतलब यशोदा मैया ने कान्हा जी के मुंह में पूरा का पूरा ब्रह्मांड देखा था, तो वहाँ पे अभी जाएंगे। मौसा जी और मौसी जी आगे गाड़ी के पास हमारा वेट कर रहे थे, तो अभी बस निकलते हैं यहाँ से और मिलते डायरेक्ट आपको गाड़ी में। तो अभी हम सभी के सभी आ चुके हैं कहाँ पे, ब्रह्मांड में। हाँ कैमरा ब्रह्मांड में। यहाँ पे आज काफी ज्यादा भीड़ लगी हुई है, पता नहीं क्या मतलब है, पूर्णमासी करके है या फिर किसकी वजह से काफी ज्यादा मतलब क्राउड है यहाँ पे। ओ यहाँ पे और यहाँ पे होगी लड़ाई, लड़ाई हो चुकी है, बंदा इसको डंडा दिखा रहा है। हाँ जी
अल्लाह मछली के लिए दाना 10 किलो ले लिया भाई, ले लिया। हाँ जी, तो यहाँ पे कछुआ मछली के लिए वो है, यहाँ पे एक छोटा सा मंदिर है और यमुना मैया है, तो बाकी देखते हैं और दिखाते हैं आप। यहाँ पे एक छोटी सी मार्केट है जहाँ पे ज्यादातर कान्हा जी के ही रिलेटेड चीजें मिलती हैं। यहाँ पे ये काफी पुराने पुराने से पेड़ है, ऊपर मांड बिहारी मंदिर पता नहीं क्या लिखा हुआ है, पता नहीं जो कुछ भी अभी देखते हैं। यहाँ का नजारा कुछ ऐसा है, यहाँ पे भी नौका विहार किया जाता है, यहाँ पे भी नौका विहार किया जाता है। हाँ यहाँ पे ज्यादा, और यहाँ पे ये कोई कथा सुना रहे हैं, इनको कथा सुनाई जा रही है। ये परमांड बिहारी जी का मंदिर, यहाँ पे जरूर आए। तो यहाँ पे है ये यमुना मैया, तो लोग स्नान भी कर रहे हैं नौका विहार करने के लिए। यहाँ पे नौका भी खड़ी हुई है, लेकिन हम लोगों ने अभी नौका विहार ऑलरेडी कर लिया है, तो अभी हम नहीं करेंगे। बाकी ये स्नान कर रहे हैं, मछली पकड़ रहे हैं, पता नहीं क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। ए भाई साहब का टैलेंट, ओके यार, बार सिक्का निकाल के ला रहा है। सिक्का टैलेंट है जी, ठंडा लग रही है तो बताओ। यो गलत बात है, ज्यादा सेना बनेंगे अब की बार तू है। अब की बार तो नहीं आओ भाई, तूने क्या है ही नहीं। यहाँ पे लड़ाई हो चुकी है अभी इनकी, अभी सिर्फ बातों बातों की लड़ाई है, हाथ और लातों की पता नहीं कब होगी। अपन लोग यहाँ पे खड़े होके एक दो फोटो क्लिक कराएंगे, पीछे देवता यमुना मैया।